गाइस, इस बार के वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसको देखोगे तो आपको एक यह तरीका है कि आप कोई भरतनाट्यम सीखना हो तो यहाँ हमारी पहली क्लास है। इसमें मुद्राज होती हैं और हाथ के एडिव्यूज भी होते हैं और पैरों के भी एडिव्यूज होते हैं और साथ में भी होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक है वो बेसिक हम सीखने वाले हमारे हाथों के उससे, तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे शुरुआत में जो हम बता रहे हैं तो वो कुल मिलाकर 14 ही होंगे। तो 14 में जो हमारा पहला होता है तो हम आपको पहले पूरे स्टार्टिंग से बताते हैं क्या करना है। तो इसमें है पताका, त्रिपताका, कटकमुखम, आलापद्मा, मुष्टि, शिखरम, सूची, ताम्रचिरा, कपित्वा, मृगशिष्य, कर्तरीमुखम, स्वास्तिका, आवाहित त्रिडोम। अब इसमें हम शुरुआत से बताएंगे कि इसको करना क्या। पताका जो होता है उसमें आप हाथ लेते हैं, सिंपली आप अपने हैंड से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रख लें और ये जो आपका थंब है इसको से जॉइंट कर लें। आप इसको जॉइंट कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा पताका, इसको बोलेंगे पताका। देन जो इधर आपका रिंग फिंगर होता है उसको आपको इधर फोल्ड कर लेना है तो ये हो जाएगा आपका त्रिपताका। अभी आपने कितने सीखे, पताका, त्रिपताका। देन हमारा जो थर्ड होता है वो होता है कटकमुखम। कटकमुखम इस टाइप का बनता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें पताका ही बना लीजिए। देन ये जो दो फिंगर हैं स्टार्टिंग में इनको ऐसे फोल्ड कीजिए और इस वाली को इससे ज्वाइन कीजिए, लाइक दिस एंड दिस, लाइक दैट। तो ये ऐसे हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कटकमुखम। अब हम आ रहे हमारे आलापद्मा पे। आलापद्मा कुछ इस टाइप का बनता है। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हाथ का जो रिएक्शन होता है, जो आप साइन उस हाथों से देते हैं इस टाइप का, तो वो जो बनेगा उसको हम आलापद्मा कहेंगे, इस टाइप से आलापद्मा। देन व्हेन यू आर फाइटिंग टू एनीवन लाइक दैट, सो इन द वे यू आर मेकिंग योर हैंड सो टाइटली, सो दिस टाइप इज, दिस इज कॉल्ड एन मुष्टि। तो इसको मुष्टि कहेंगे, जैसे पताका, त्रिपताका, कटकमुखम, आलापद्मा, मुष्टि। उसके बाद जो आता है हमारा, तो मुष्टि के बाद हमारा जो आता है तो यहाँ पे जो थंब होता है इसको आपको रेस कर लेना है। आप इसको खड़ा कर लेंगे तो ये आपका शिखरम बनेगा। देन शिखरम हो जाएगा तो फिर ऐसे शिखरम बन जाएगा। अब इसको जब ये शिखरम बन जाएगा तो इसको बंद करके वापस, और फिर ये जो ये है आपको फर्स्ट फिंगर, इसको रेस कर लेना है। इस ये था, इसको बंद करके इसको खोल लिया। तो शिखरम के बाद ये होता है सूची। सूची के बाद आता है हमारा ताम्रचिरा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है ताम्रचिरा में। जो आपका सूची होगा तो सूची का ये वाला जो हमारा उंगली हमने ओपन किया है इसको आप हल्का सा कर्व कर लेंगे। देन कर्व करने के बाद क्या होता है, इसको कहते हैं ताम्रचिरा। ताम्रचिरा के बाद होता है हमारा कपित्वा। कपित्वा में क्या करना पड़ता है, जो ये हमारा थंब होता है थंब को यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ता है और फिर आप इसको इधर लगा लेंगे तो ये आपका इसको दबा लेना है, टाइटली अंदर पैक कर लेना है। तो ये शिखरम हो जाता है, सूची हो जाता है, ताम्रचिरा हो जाता है, ये होता है कपित्वा। कपित्वा राइट, तो कपित्वा। देन मृगशिष्य। अब मृगशिष्य कैसे बनेगा, जो आपका हाथ होता है तो इसके बाद कपित्वा हो गया, देन मृगशिष्य। मृगशिष्य बनाने के लिए आपको जो ये आपकी थ्री फिंगर्स होती है स्टार्टिंग की, इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो ये ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मृगशिष्य। देन कर्तरी मुखम। कर्तरी मुखम यानी कैंची का मुंह, जो आप सीजर कहते हैं जिसको, तो सीजर को कैंची भी कहते हैं हिंदी में, तो कैंची कर्तरी कहते हैं संस्कृत में, तो उस हिसाब से ये होता है कर्तरी मुखम यानी कैंची का चेहरा, द फेस ऑफ सीजर। सो देयर इज आई एम यूजिंग माय टू फिंगर्स फ्रॉम हियर, आई टेक माय हैंड लाइक पताका, टेकिंग दीज टू फिंगर्स फोल्डिंग एंड देन जॉइन दिस thumb on these two fingers. This is making the kartari mukham. This is gonna be pataka, tripataka, katkamukham, alapadma, mushti, shikaram, suchi, tamachara, kapitka, mrigashishya, kartari mukham. Then we are coming in our
लास्ट थर्ड दिस इज स्वास्तिका. स्वास्तिका नथिंग एल्स, यू हैव जस्ट टेक योर हैंड इन अ पताका पोजिशन एंड जस्ट क्रॉस योर हैंड्स इन योर face front. You just take your hands and put like that. It is going to be crossed and this is called the swastika. Swastika, इसके बाद आता है हमारा आवाहित्य. आवाहित्य कैसा होता है? आला पद्मा मैंने आपसे बताया, तो इसमें आपको आला पद्मा कर लेना है. कुछ नहीं करना है, इसको आला पद्मा कर लेना है. तो आला पद्मा क्रॉस में आला पद्मा बनेगा, तो ये होगा हमारा स्वास्तिका. स्वास्तिका हो चुका है, आवाहित्य था, ये आवाहित्य हो गया. अब आखिरी जो हमारा होता है डोला. इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने हैंड्स को जो आपके लेग होते हैं उनसे ज्वाइंट कर लेना है, तो वो हो जाता है आपका डोला. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है ना, उसको दबाना मत भूलना. इसको आखिरी बार देख रहे थे कि हमने इसको कैसा किया. पताका, त्रिपताका, कटकमुखम, आलपद्मा, मुष्टि, शिखरम, सूची, ताम्रचूरा, कपित्वा, मृगशिष्य, कर्तरीमुखम, स्वास्तिका, आवाहित्य, डोला. थैंक यू.